हे कैसे आप सब। पता है गर्मी और बारिश के मौसम में कई सारे ऐसे पौधे हैं जिनसे आप अपने गार्डन में कलर्स ऐड कर सकते। इस वीडियो में मैं आपको उन सारे पौधों के नाम बताऊंगी, साथ ही ये भी बताती चलूंगी कि कैसे आप उन्हें ग्रो कर सकते, और इस वीडियो के एंड में एक जनरल केयर इंस्ट्रक्शन भी रहेगा। वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस मौसम के सबसे खास पौधे से, और वो है रेन लिली। कई सारे कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल होता है और मार्केट में तो इसके कई सारे हाइब्रिड्स भी आ गए हैं। मेरे पास इसके 3 कलर्स हैं, पिंक, वाइट और ब्यूटीफुल येलो। रेन लिली को आप बड़े ही आसानी से बीजों से उगा सकते हैं। जब फूल सूख जाते हैं तो सीड पॉट बनते हैं। जब सीड पॉट सूख जाएं तो उनके अंदर से बीजों को निकाल लीजिए और आप मिट्टी, कोकोपीट, जिसमें चाहें उसमें उगा लीजिए। बीजों से ग्रो करने पर फ्लावर आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जल्दी फ्लावरिंग के लिए आप रेन लिली बल्ब से भी लगा सकते हैं। दूसरा पौधा है एक्सोरा। गर्मियों में और बारिश में इस पे गुच्छे में फ्लावर्स लगते हैं, काफ़ी प्रिटी लगता। कई सारे कलर वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और आप इन्हें गमलों में भी काफ़ी आसानी से लगा सकते। जो लोग सब्जियां ग्रो करते हैं उन्हें मैं एक्सोरा ज़रूर रेकमेंड करूंगी, क्योंकि ये पौधा कई सारे पॉलिनेटर्स जैसे कि तितलियाँ, मधुमक्खी, इन सबको अट्रैक्ट करेगा आपके गार्डन की तरफ, और आपको सब्जियों के फूलों का हैंड पॉलिनेशन नहीं करना पड़ेगा और आपके सब्जियों के फूल झड़ेंगे भी नहीं। एक्सोरा को आप सेमी हार्डवुड और सॉफ्ट वुड दोनों ही कटिंग से बड़े ही आराम से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों टर्म समझ नहीं आया तो आप मेरा कटिंग वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है। ये रही मेरी एक रूटेड एक्सोरा कटिंग। फ्रेंड्स, आप एक्सोरा को एयर लेयरिंग से भी ग्रो कर सकते। अगला पौधा है स्वर्ण चंपा। इससे ज़्यादा खूबसूरत और इससे ज़्यादा एरोमेटिक पौधा और शायद कोई ना हो मेरे कलेक्शन में। वैसे तो आप इसे ग्राउंड में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस पौधे को गमले में लगाना है तो आप कम से कम 16 इंच चौड़ाई और गहराई वाला गमला लीजिए। स्वर्ण चंपा के 2 फ्लावर सेट्स मैंने देखे हैं, एक तो ये येलो और एक थोड़ा सा सफ़ेद सा रहता है। दोनों ही काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी एरोमेटिक रहता, और स्वर्ण चंपा को आप एयर लेयरिंग से प्रोपेगेट कर सकते। अगला पौधा है हिबिस्कस। वैसे तो मेरे इस वेरिकेटेड हिबिस्कस का पत्ता ही फूलों की तरह खूबसूरत है, लेकिन हम अभी फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी अपना ये ब्यूटीफुल रेड कलर का मल्टी पेटल हिबिस्कस। फ्रेंड्स, हिबिस्कस का पौधा गमलों में लगाने के लिए काफ़ी सही है। छोटे पौधों के लिए आप 10 से 12 इंचेस का गमला लीजिए और पौधा जैसे जैसे बड़ा होता जाए गमले की साइज़ बढ़ाते जाइए। हिबिस्कस के फ्लावर कलर की बात करें तो जितना कलर आप सोच सकते हैं उतने कलर उसमें हिबिस्कस की अलग अलग वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। इसे आप बड़े ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और एयर लेयरिंग का तो ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट है। अगला पौधा है अपराजिता। काफ़ी ही खूबसूरत है ना फ्रेंड्स। ये लत वाला पौधा है और इसलिए आपको इन्हें सहारा देना होगा। कई सारे अलग अलग फ्लावर कलर्स की वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई ना कोई ज़रूर ऐड करिए। मेरा पर्सनल फेवरेट तो ब्लू वाला ही है, और आपको बता दूं अपराजिता की कई सारी मेडिसिनल बेनिफिट्स भी है और खान पान में भी इसे यूज़ किया जाता है। इससे आप काफ़ी आसानी से बीजों से ग्रो कर सकते हैं, पौधा काफ़ी जल्दी बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, बीजों से लगाने से लेकर फ्लावरिंग तक मैंने एक डिटेल वीडियो किया है, उस वीडियो की लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इवन सारे ही रिलेटेड वीडियोस की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, ज़रूर चेक कर लिया करिए एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट प्लांट है हरशिंगार। इस पौधे का वर्णन हमारी तरफ की कई लोक कथाओं में है, और मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है कि मैंने एक बीज लगाया, वो बीज उगा, फिर उसके बाद वो पौधा बड़ा हुआ और फिर उसने बहुत सारे फूल दिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपका पहला ऐसा एक्सपीरियंस किस पौधे के साथ रहा, मुझे बड़ी खुशी होगी जानकर।
हर श्रृंगार का पौधा जब आप ज़मीन में लगाते हैं तो वो काफ़ी फास्ट ग्रो होता और एक बड़ा पेड़ बन जाता है, लेकिन आप इसे गमले में भी रख सकते हैं। ये रहा पिछले साल बीजों से लगाया हुआ एक पौधा। मैंने बस डब्बे में मिट्टी भर के बीज लगा दिए थे, पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो होने लगा। हर श्रृंगार के पौधे की एक खास बात ये है कि आयुर्वेद में इसके हर एक पार्ट का अलग अलग औषधीय गुण बताया गया है। काफ़ी अच्छा है ये पौधा, ज़रूर ऐड करिए अपने गार्डन में। अगला पौधा है एलिमेंडा। थोड़ा ऊडी होता लेकिन फिर भी आपको इसे सहारा देना होगा। और फ्रेंड्स, इसे आप बड़े ही आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते अभी समर में और मॉनसून में। इस पर इतने सारे फ्लावर्स आते हैं, आप देख ही रहोगे। एलिमेंडा की फैमिली से ही बिलोंग करने वाला ये पौधा है मैंडविला। कई सारे फ्लावर कलर में ये अवेलेबल हैं और ये अपराजिता की तरह ही लत वाला पौधा होता है, जिसे आपको सहारा देकर के कहीं फैला सकते हैं। अभी तो कई सारे पौधे हैं अपने गार्डन को इस मौसम में कलरफुल बनाने के लिए, जिसमें से एक ये है जरूर। कई सारे कलर सेट्स में अवेलेबल हैं। ये पिंक कलर का है, एक वाइट कलर वाला आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, और एक पर्पल कलर, और ये रेड कलर मेरा रीसेंट एडिशन है। इससे आप बड़े ही आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और गमलों में लगाने के लिए ये पौधा बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसके लिए कम से कम 16 इंच चौड़ाई और गहराई वाला गमला यूज़ करिए। अगला पौधा है कैलेंड्रा, और इसे आप बीजों से बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है चांदनी, इसे पिनव्हील फ्लावर भी कहते हैं। वाइट कलर के ही मोस्टली फ्लावर्स रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पेटल अलग अलग रहती हैं, जिसमें से ये जो है ये मल्टी पेटल है और इसमें काफ़ी अच्छा एरोमा भी है। इससे थोड़े कम पेटल्स वाला चांदनी मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है और इस पर खूब सारे फ्लावर्स लगते। चांदनी को जब भी आप गमले में लगाएं तो कम से कम 13 से 14 इंच चौड़ाई और गहराई वाला गमला यूज़ करिएगा। और हाँ, चांदनी को आप कटिंग या एयर लेयरिंग से बड़े ही आराम से प्रोपगेट कर सकते। नेक्स्ट प्लांट है सदाबहार। थोड़ा कॉमन है लेकिन काफ़ी खूबसूरत। इसके कई सारे हाइब्रिड्स कलर सेट मार्केट में आ गए हैं। आप इस मौसम में इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। इस पौधे को कोई ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से बालकनी गार्डन में मेंटेन हो जाता है। 6 इंचेस के गमले में भी आप इसे लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसे प्रोपगेट करने के लिए आप पौधे का जो टिप पोर्शन होता है ना, सबसे ऊपर वाला, वहाँ का 3-4 इंच का हिस्सा तोड़ लीजिए और इसे आप ज़मीन में लगा दीजिए। बस 7 से 8 दिन में ही इसमें जड़ आ जाते हैं और एक अच्छा पौधा, नया पौधा आपको मिल जाएगा। आप सदाबहार को बीजों से भी उगा सकते हैं। बीज पौधे पे फूलों के सूखने के बाद बनते हैं। जो लंबे लंबे से आपको दिख रहे हैं वो सीड पॉड ही हैं। जब ये ड्राई हो जाएगा इससे छोटे छोटे सरसों के दाने की तरह बीज निकलेंगे, जिन्हें आप बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। गर्मियों में और बारिश में खूब सारे कलर ऐड करने वाला ये पौधा है मुसिंदा। जो येलो कलर का आप देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली फ्लावर हैं, और जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं वो मॉडिफाइड लीव्स हैं। इसे स्पेथ भी कहते हैं, जैसा बोगनविलिया में होता है ना, सेम वैसा ही। फ्रेंड्स, सारे ही कलर काफ़ी खूबसूरत होते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट ये रेड कलर का है। लग रहा है ना प्रिटी? अब आप इस पिंक कलर को भी देख लीजिए। इस मौसम में कोई ना कोई एक कलर का मुसिंदा अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। और इसे प्रोपगेशन का जो बेस्ट मेथड है वो है एयर लेयरिंग। फ्रेंड्स, मुसिंदा हैवी फीडर प्लांट है, बहुत सारे कलर्स के लिए आपको बहुत सारे फर्टिलाइजर्स भी देने होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पौधे की तरफ, और ये हैं रंगून क्रीपर मधुमालती। इस मौसम में सबसे ज़्यादा फ्लावर देने वाला वाइन। जी हाँ, ये वाइन प्लांट है, इसलिए आपको इसे सहारा देना होगा। फूल गुच्छे में होते हैं और काफ़ी ही प्रिटी लगते। इसे आप कटिंग से बड़े आराम से ग्रो कर सकते। हैवी फीडर प्लांट है, ज़्यादा फ्लावर्स के लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है, और गमला आप इसके लिए ज़रूर बड़ा यूज़ करिए, कम से कम 14 इंच गहराई और चौड़ाई वाला गमला। इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे तो अभी के मौसम में फ्लावर्स देने वाले और भी कई सारे पौधे हैं। अगर कोई इम्पॉर्टेंट पौधा मिस हो गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंक्लूड करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति गार्डन साइनिंग ऑफ।